इस वीडियो में बात करेंगे ओमान की एलएनटी कंपनी कैसा है, इस कंपनी में ओवरटाइम कैसा मिलता है। बहुत सारा बंदा सुना होगा ओवरटाइम मिलता है, लेकिन ओवरटाइम का रेट क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या जो कंपनी इंडिया में है वही कंपनी ओमान में है, जो बेनिफिट इंडिया में मिलता है सेम बेनिफिट ओमान में मिलता है, जो नाम सुना हो एलएनटी के बारे में बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या ओमान में भी इतना अच्छा कंपनी है, क्या क्या बेनिफिट मिल जाता है, हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त इंडिया के अंदर एलएनटी ओमान के लिए बहुत सारा वैकेंसी निकल के आया है, जैसे कि शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन और हेल्पर, इन चार कैटेगरी का वैकेंसी आया है जहाँ के लिए इंटरव्यू चल रहा है इंडिया के अंदर। तो अगर आप इन कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उससे पहले मैं एक कंपनी के बारे में आपको बता देता हूँ। एलएनटी जो कंपनी है ओमान के अंदर एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। एलएनटी कंपनी इंडिया के साथ साथ 500 कंट्री में इसका ब्रांच है जहाँ पर इसका प्रोजेक्ट चलता है। आपने सुना होगा कि एलएनटी कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ एलएनटी कंपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट लेता है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन माइनिंग मशीनरी का प्रोजेक्ट लेता है, डिफेंस शिप बिल्डिंग का प्रोजेक्ट लेता है, डिफेंस इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लेता है, हेवी इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट लेता है, मिनरल्स एंड मेटल का प्रोजेक्ट लेता है, पावर प्लांट का भी प्रोजेक्ट लेता है, हाइड्रोकार्बन का प्रोजेक्ट लेता है, कंस्ट्रक्शन का काम तो करता ही है। सो ये कंपनी बहुत सारा काम करता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया है आज के डेट में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी में आप जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मैं बता दूं, अगर आप शटरिंग कारपेंटर में जा रहे हो इस कंपनी में, तो आपका जो सैलरी रहेगा 5 दिन के लिए 65 ओमानी रियाल, उसके साथ साथ आपको फ्री फूड एंड एकोमोडेशन मिलेगा, ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम और फूड की बात मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ। अगर आप 30 दिन काम करते तो आपको 120 रियाल, उसके साथ साथ फूड और ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप स्टील फिक्सर में जाते हो तो आपको 65 रियाल 5 दिन के लिए और 30 दिन के लिए 120 ओमानी रियाल ओवर टाइम फूड मिलता है। अगर आप मेसन पे जाते हो तो 75 ओमानी रियाल आपको मिलेगा, उसके साथ साथ 30 दिन के लिए 120 रियाल, उसके साथ साथ फूड एंड ओवर टाइम मिलेगा। अगर आप हेल्पर में जाते हो तो आपको 55 रियाल 5 दिन के लिए मिलेगा, और अगर 30 दिन काम करते हो तो 105 रियाल, उसके साथ ओवर टाइम फूड मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी में दो टाइप का काम होता है। अगर आप 5 दिन कर सकते हो तो 5 दिन करिए, अगर आप 7 दिन कर सकते हो आप कीजिए। मैंडेटरी नहीं है कि आपको डेली काम करना है, आपके हिसाब से। अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आप 30 दिन काम कीजिए, अगर आप नहीं कमाना चाहते तो आप 5 दिन काम कीजिए। अभी बात करेंगे ओवर टाइम का, इस कंपनी में ओवर टाइम क्या है, तो मैं आपको बता दूँ इस कंपनी में जो ओवर टाइम है आपको 1 घंटे काम का 1.5 घंटे का पैसा मिलता है। अगर आप डेली 3 घंटा ओवर टाइम करते हो तो आपको 4.5 घंटा का ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। फूड का क्या है, इस कंपनी में फूड आपको बना बनाया मिलता है तीनों टाइम। सुबह आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, दोपहर में लंच मिलेगा, नाइट को डिनर इस कंपनी में आपको मिल जाता है। खाने के लिए कोई टेंशन नहीं, कैंटीन रहता है कैंप के अंदर, वहाँ पे आपका खाने का बंदोबस्त रहता है। कंपनी साइड में आपको कंपनी में ही खाना मिल जाता है। एकोमोडेशन की बात किया जाए तो आपको रूम मिलता है रहने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन की बात किया जाए तो आपके ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा मिलता है आने जाने के लिए। मेडिकल का सुविधा इस कंपनी के अंदर है, आपको मेडिकल का सुविधा भी मिलेगा। इस कंपनी में अगर आप 2 साल पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आप रिन्यूअल भी कर सकते हो, उसके साथ आपको आने जाने का टिकट मिलेगा। अगर काम करते टाइम आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अपने मुल्क जाना है, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो आप इमरजेंसी छुट्टी जा सकते हो। 2 साल के बाद इस कंपनी में इंक्रीमेंट भी देखा जाता है। तो ओवरऑल एलएनटी कंपनी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, आप आ सकते हो। अभी मैं बात करूंगा कि इस कंपनी में एज क्या है आने के लिए, तो मैं बता दूं आपको, अगर आप स्टील फिक्सर, मेसन, शटरिंग कारपेंटर पे आ रहे हैं तो आपका एज 22 से लेके 43 होना चाहिए। अगर आप हेल्पर पे आ रहे हो तो 22 से आपका एज 37 होना चाहिए।
अगर आपको इस कंपनी आने का मौका मिल रहा है तब मत छोड़िए, आप आ सकते हैं। एलएनटी ओमान एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।